हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, यहाँ पे एक मैच होने वाला है लालीगा लीग का, ओएसए वर्सेस सीईवी के बीच। भाई ओएसए टीम स्ट्रांग नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। काफ़ी लोग फिर भी ओएसए को प्रेफर कर रहे हैं, बट मैं राय दूंगा कि सीईवी के साथ जाना चाहिए। एंड इस मैच की फाइनल टीम जो मिलेगी, लाइनअप्स के बाद पोस्ट होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम। जिस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, फटाफट जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की, देन ओएसए वर्सेस सीईवी। तो यहाँ पर मैं सीईवी के फेवर में हूँ प्रॉपर तरीके से, एक तरफा टीम है पूरी। बात करूँ सबसे पहले मैं गोल कीपर की, देन यहाँ से लूँगा एस हरेरा को। तो ओएसए का मेन प्लेयर एस हरेरा में और जे पैरस हैं, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। बट जहाँ तक मुझे शक है कि हरेरा की वापसी करवाएंगे ये प्लेयर्स, ये टीम, क्योंकि ओएसए का मेन जो गोल कीपर है वो एस हरेरा ही माना जाता है। बात करें डिफेंडर की, देन यहाँ से लूँगा एन एरोजो को। भाई साहब, नेस्टर एरोजो की वापसी बहुत बहुत ही ज़रूरत थी इस मैच में इस प्लेयर की, क्योंकि एरोजो और नीचे से एक प्लेयर है जिसका नाम है के वेस्कोज, इन दोनों को वो खेलना चाहिए वाला मैच। क्योंकि अगर वेस्कोज ये वाला मैच नहीं खेलता, देन बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वेस्कोज अपनी टीम का एक ओल्ड, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। क्योंकि सी ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं नीचे से, जिसका नाम है कैरलोस डोमिंग्यूज का तो खेल खत्म कर दिया उन्होंने। डोमिंग्यूज को इतना 7.5 क्रेडिट के अंदर डाल के हटा ही दिया बिल्कुल। दैट्स वाई एरोजो पे मैंने भरोसा किया। एच मैलो की बात करूँ, एच मैलो तो शुरू से कभी कभी चलता था, कभी प्रॉपर फ्लॉप, तो ये तो रिस्की प्लेयर है। बाकी गैलन की बात करें, देन यहाँ से लिए जेक गैलन को। तो मैंने चारों डिफेंडर ही ले लिए, क्योंकि जो भी चार खेलेंगे ईजी रहेगा हमें, तो मैंने चार डिफेंडर भी जोर दे दिया। बाकी हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि चारों एक ही साइड के डिफेंडर्स लिए मैंने। बात करें मिडफील्डर की, देन नॉलिटी को तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि डी सॉरेस को भी छोड़ दिया, क्योंकि सॉरेस एक डिफेंडर था और डेनिस सॉरेस अगर आज एक मिडफील्डर है तो इसमें मुझे कोई खुशी की बात नहीं, क्योंकि मैंडिस डाउन हो गया। बट मैंडिस तो पेनल्टी टेकर है, ब्रेस मैंडिस अपनी टीम का सेकेंडरी पेनल्टी टेकर है, तो पेनल्टी टेकर में से बी मैंडिस कन्फर्म आएगा। आर टोर्स की बात करूँ, देन यहाँ से लूँगा रॉबर्टो टोर्स को। रॉबर्टो टोर्स एंड नीचे से एक प्लेयर है आई पैरस, देन इन्हीं को पैरस भी लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ई मोर जो प्लेयर है यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। एंड ओ एक और प्लेयर जिसका नाम है ओके योकोसुला, इसको तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपको देगा, ऐसी बात नहीं है, ये आपको 30-40 पॉइंट तक पहुंचा सकता है मैक्सिमम, अगर इनकी तरफ आप हो भी। लेकिन योकोसुला गोल करने में बहुत हिचकिचाता है, मैं इस गोल ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ असिस्ट पे ध्यान है। बात करें स्ट्राइकर की, आई आसपास को लूँगा। अभी ओरिजिनली जो पेनल्टी टेकर है वो आई आसपास है, मैंने पहले बोला कि बी मैंडिस है, बट बी मैंडिस सेकेंडरी पेनल्टी टेकर है गाइस, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एस मीना की बात करूँ, देन सेंटी मीना भी चल सकता है आज के मैच में, क्योंकि ये भी मेन स्ट्राइकर। एस मीना के सीजन बहुत गोल्स थे पिछले सीजन ए, और आगे से बात करें नेक्स्ट की एंटी बुडीमिर को लूँगा। बुडीमिर अपनी टीम का पेनल्टी टेकर है, इसकी जगह काफ़ी लोग क्रेडिट बचाने के चक्कर में के ग्रेशिया लेते थे, बट आज कोई नहीं लेने वाला। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है आई आसपास एंड वाइस कैप्टन है मैंडिस। बाकी मैंडिस की जगह अगर आपको सेफ जाना है, देन एस मीना वॉज ए गुड चॉइस, ये बहुत सेफ टीम है। ये जो टीम आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सेफ, क्योंकि बी मैंडिस लोगों की टीम में होगा नहीं और आप लोगों की टीम में, अब अगर आप वाइस कैप्टन रखते हो जीएल में तो अलग ही चॉइस रहेगी। तो ये मेरी बहुत सेफ टीम है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।